तो सबसे पहले मैं आपको डायरेक्ट वीडियो कॉल करके दिखाता हूँ। आप देखेंगे एक नंबर है यहाँ पर, और यहाँ पर मुझे डायरेक्ट वीडियो कॉल का ऑप्शन मिल रहा है। तो यहाँ पर मैं कॉल डायल कर देता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पर मैंने वीडियो कॉल कर दिया है। अब यहाँ पर कॉल आ जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर वीडियो कॉल आ गया। तो इसी तरह से दोस्तों आप भी अपने फ़ोन में डायरेक्ट वीडियो कॉल कर सकते हैं। कैसे करेंगे ये सीखने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। कुछ सेटिंग्स करना है आपको अपने फ़ोन में, इसके बाद आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल की सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग में आने के बाद यहां पर आपको एक सेटिंग मिलेगी, मोबाइल नेटवर्क, या हो सकता है आपके फोन में सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क हो। आपको ये सेटिंग को ओपन कर लेना है। अब आपको ये देख लेना है आपको कौन से सिम में ये प्रॉब्लम आ रही है, सिम वन में या सिम टू में। आपको उसी सिम को इस तरह से ओपन कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहां पर आपको कुछ सेटिंग को चेक कर लेना है ऑन है या नहीं। जैसे कि यहां पर आपको एक सेटिंग मिलेगी वॉल्टी कॉल्स, आपको इस सेटिंग को ऑन रखना है। अगर इस तरह से ऑफ होगी तो आपको इसे ऑन कर लेना है। इसके बाद यहां पर आपको एक सेटिंग मिलेगी वाईफाई कॉलिंग, यहां पर ये सेटिंग को भी आपको ऑन रखना है। इस तरह से आपको सेटिंग को ऑन कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहां से आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों आपको यहां पर अपने प्ले स्टोर में जाना है। आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर को ओपन करना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद यहां पर आपको सर्च करना है फोन, यानी कि जहां से हम कॉल लगाते हैं वही वाला ऐप आपको डायल कर लेना है। आपको सर्च कर लेना है फोन ऐप, आप देख सकते हैं ये वाला फोन ऐप आपको अपडेट कर लेना है। अगर ये अपडेट नहीं है तो दोस्तों फिर डायरेक्ट वीडियो कॉल नहीं लगेगा, आपको इसे अपडेट कर लेना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहां पर आप देखेंगे आपको फोन ऐप दिखाई देगा। यहां पर आप देखेंगे आपको क्या करना है, इस पर लॉन्ग प्रेस करना है। इस तरह से लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहां पर कुछ सेटिंग्स निकल कर आ जाएगी। तो यहां पर आपको एक सेटिंग मिलेगी ऐप इन्फो की, या इस तरह से आई बटन होगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। अब यहां पर आपको एक सेटिंग मिलेगी परमिशंस, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहां पर आपको एक सेटिंग मिलेगी कैमरा, आपको इसे ओपन करना है और यहां पर परमिशन अलाउ कर देना है। जो पहले नंबर पर सेटिंग है इस पर आपको इसे सेट रखना है, तो ही दोस्तों आपकी वीडियो कॉल लगेगी। ठीक है, इसके बाद यहां से आपको बैक आना है। बैक आना है, अब यहां पर दोस्तों आपको एक सेटिंग मिलेगी स्टोरेज, आपको स्टोरेज में आना है और आपको यहां पर क्लियर डेटा कर देना है। ठीक है, फिलहाल मुझे नहीं करना है क्योंकि मुझे ये प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो आपको यहां पर क्लियर डेटा कर देना है, क्लियर कैश भी कर देना है। इसके बाद आपको यहां पर एक बार फोर्स स्टॉप पर क्लिक करना है और यहां पर इसे फोर्स स्टॉप कर देना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, एक बार अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करना है और स्विच ऑन करना है। इसके बाद दोस्तों आपको डायलर में आना है और आपको डायरेक्ट वीडियो कॉल करना है। तो वीडियो कॉल कैसे करेंगे वो मैं यहां पर आपको बता देता हूं। कई सारे लोगों को सही तरीका नहीं पता है वीडियो कॉल करने का, तो आपको जिसको भी वीडियो कॉल करना है तो यहां पर दोस्तों आपको उसके नंबर पर इस तरह से टैप करना है। टैप करेंगे तो आपको यहां पर वीडियो कॉल का ऑप्शन दिखाई देगा, आप इस पर क्लिक करेंगे ये काम ही नहीं करेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं अब यहां पर एक नंबर है, यहां पर डायरेक्ट दोस्तों आप देखेंगे वीडियो कॉल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, लेकिन यहां पर वॉइस कॉल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो ये वीडियो वाला ऑप्शन कैसे लाएंगे वो मैं आपको बता देता हूं। आपको यहां पर नंबर पर नहीं क्लिक करना है, नंबर का जो ये लोगो बना हुआ है यहां पर, इस लोगो पर आपको क्लिक करना है। लोगो पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। अब यहां पर दोस्तों आपको वीडियो कॉल का ऑप्शन मिलेगा। अब यहां पर दोस्तों आप डायरेक्ट वीडियो कॉल कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरह से आप डायरेक्ट वीडियो कॉल कर सकते हैं। अब आप बैक आएंगे तो आप देखेंगे नंबर के सामने आपको डायरेक्ट वीडियो कॉल का ऑप्शन मिल जाएगा। इस तरह से दोस्तों आप अपने फोन में डायरेक्ट वीडियो कॉल कर सकते हैं। लेकिन यहां पर एक बात का आपको ध्यान रखना है, अगर आपका फोन बहुत ही ज्यादा पुराना है तो उसके अंदर दोस्तों ये फीचर्स आपको नहीं मिलेंगे। इसके लिए आपके फोन में जो है लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन होना चाहिए, तो ही दोस्तों आप डायरेक्ट वीडियो कॉल कर पाएंगे। तो यहां पर जो भी सेटिंग मैंने आपको बताया, ये सेटिंग आपको अपने फोन पर अप्लाई करना है, इसके बाद आप किसी को भी डायरेक्ट वीडियो कॉल कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाकर ऑल पर सेट जरूर करना।